दोस्तों, जितने भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, खास करके जो बिहार बोर्ड से, ठीक है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आज की वीडियो में आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कौन सा केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन से आपको 20+ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे इस वीडियो में बतलाएंगे, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या कर लोगे, ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। क्यों कंप्लीट कर लोगे? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप 12th आईएसी का बोर्ड एग्जाम 2023 बिहार बोर्ड से देने वाले हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का तीन भाग होता है ना, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होता है। तो केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 20+ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं इस वीडियो में बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है और वो क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, एल्यूमिनियम के बर्तन में सांद्र HNO3 को रखा जा सकता है क्यों? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है 2017-2019 बिहार बोर्ड 12th आईएसी केमिस्ट्री के एग्जाम में जो है आया हुआ है, यानी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है 2017-2019 में केमिस्ट्री के एग्जाम में, यानी केमिस्ट्री से बोले तो केमिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर है, यानी भर्जन और निस्तापन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2011-2013-2014-2010 में ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 12th आईएसी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गालक, ये आपका 2013, धातुमल 2013, प्रगलन 2012, यानी धातुमल, गालक, अयस्क और प्रगलन और हो सके तो खनिज का क्या करना है, इनका परिभाषा जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में सिर्फ जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 20+ क्या कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, H2O एक द्रव तथा H2S गैस क्यों है? ये भी क्वेश्चन 2017-2019 में आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, PH3 आद्र वायु के स्थान धूम्र बनाता है क्यों? ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2019 बिहार बोर्ड 12th आईएसी के एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, HIHF से सबल अम्ल है क्यों? ये भी क्वेश्चन जो देख रहे हो 2010-2013-2014-2017-2015-2018 में ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आंसर आपको क्या कर लेना है, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है परंतु हीरा विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक परंतु हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्यों? 2017-2018 में भी ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा है क्यों? NH3 का क्वथनांक जो है PH3 से ज्यादा क्यों है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, उजला फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है क्यों? ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं? दिया हुआ है यहाँ पे 29, 59, 74, 95, 102, 104। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, Cr2+ और Fe2+ में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों है? 2014 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया KMnO4 एवं K2Cr2O7 के साथ लिखे, 2017-2018 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ऐसे भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बतला रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से तथ्य को आधार बनाकर आप कहेंगे कि एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? ठीक है, 2021-2019 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें, 2016-2013 में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, समन्वयी संख्या से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लेना, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जटिल किधर गया, दंतुर लिगेंड क्या है, उदाहरण दे, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। जटिल लवण आपका दिया हुआ है, का आईपीएससी क्या करना है, नाम लिखना है। तो जटिल लवण का आईपीएससी नाम लिखने जो ना तरीका उनका सीख लेना बाबू, हो सकता है कोई भी जटिल यौगिक दे दिया रहे और उनका आईपीएससी नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो तरीका सीख लेना, जटिल लवण यहाँ पे आपका दिया हुआ, जटिल लवण
यहाँ पे आपका जो मे एफ ई का ई एन यानी प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है, इनको भी आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कोई भी जटिल लवण आपको दे दे, यही नहीं हो सकता है कोई भी जटिल लवण दे दे और केंद्रीय धातु परमाणु का ई एन प्रभावी परमाणु संख्या का गणना करने पूछ दे, तो इनको आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जटिल लवण यहाँ पे आपका दिया हुआ, मे सी यू का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना जो है आप क्या कर लोगे, सीख लोगे यानी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन गैस तनु NOH एवं एवं सांद्र NOH के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। क्लोरीन गैस जो है तनु NOH और सांद्र NOH के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इनको भी आप क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, इतना क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर लोगे तो मेरे हमको तो अनुमान लग रहा है कि क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक में नहीं छूटने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। आज के वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया है ना, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।